आज हम बात करेंगे कि आपको CDS में मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इस बार जो मैंने मैथ्स का अटेम्प्ट दिया था, इसमें 82 क्वेश्चन करके आया था, 78 सही क्वेश्चन गए हैं और 4 क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हुए हैं। ये अभी ऑफिशियल तो नहीं है, बट आंसर की मैच करिए उस हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा स्कोर है, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अदरवाइज आपका जो मन है वो कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहली बात तो मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैथ्स का मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। 10th में मैथ्स मेरा फेवरेट था, 12th में मैथ्स में हाई स्कोर थे, 10th में भी हाई स्कोर थे, और BSc फिजिक्स और मैथ्स से ही करी हुई है फाइनल ईयर में, ठीक है। तो मैथ्स से लगाव रहा है काफ़ी। जब मैंने CDS का पहली बार एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम से 2-4 दिन पहले ही उस एग्ज़ाम से, 8 नवंबर को था आई थिंक 2020 में, और 4 नवंबर को मेरा एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम था। उसके बाद ही मैंने मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी CDS की, XY ग्रुप की करी थी, उसमें भी नहीं हुआ, और CDS तो CDS में क्या है, 42 मार्क्स आए थे मैथ्स में उस टाइम पे बिना प्रिपरेशन के, कुछ भी नहीं ना थे। उसके अलावा जब सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने, तो मैंने प्रिपरेशन करके गया था, क्योंकि पहली बार हम जब एग्ज़ाम देते हैं CDS का, तो हमें लगने लग जाता है अरे इंग्लिश तो बड़ी सरल आई थी, मैथ्स में तो हम कर ही लेंगे, GS की थोड़ी सी दिक्कत है, उसे देख लेंगे, पेपर हो जाएगा, है ना। हर बार हर कोई यही सोचता है, पहली बार में उसे इंग्लिश बहुत सरल लगती है। फिर जो है सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो मैथ्स में जो है मैं 72 क्वेश्चंस करके आया था, जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे और 65 मार्क्स बन रहे थे, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, 64.67 मार्क्स आए थे, और पहले बार के 42 वो भी वीडियो डली हुई है। तो जब मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 65 मार्क्स आए ना, तब मैं जब मेरे 65 मार्क्स आए तो मैंने सोचा अब तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, अब मैथ्स क्यों करनी है। तो थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने दिया CDS 2 2021 का, उसमें मैथ्स ने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया, क्योंकि मैंने मैथ्स को भाव नहीं दिया था। फिर से आके गिर पड़े हम 42 पे, और 42 मार्क्स ही बन रहे हैं, उतने ही आएंगे, उससे 43 हो सकते हैं और नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो रही बात ये कि आपको मैथ्स को भाव देना होगा, तभी आपके नंबर आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएंगे, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो मैथ्स को मैं आपको बता दूं कि मैंने कम से कम 3-4 घंटे डेली के मैथ्स में दिए हैं प्रॉपर, एक टाइम दिया है लिमिटेड, और रात वाला टाइम नहीं दिया है, वो टाइम दिया है जो वहाँ पे एक्चुअल पेपर का होता है। मैंने 2 बजे से 5 बजे के आसपास का टाइम जो है वो मैथ का रख रखा था, और 1 घंटे रात में रख रखा था, कोई टाइम फ्री मिल जाए तो, ठीक है। तो आप मान लीजिए 3-3.5 घंटे जो है मैथ्स में जाते थे। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, खाना खाने के बाद नींद आती है, और फिर मैथ्स का आपको एग्ज़ाम वहाँ पे देना है, थके आ रहे होते हैं, पेन नहीं चल रही होती है, क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर हाथ ही रुकना बंद हो जाता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फेस करी हुई हैं। तो इसलिए मैंने टाइम टेबल भी वही रखा था, तो इस बार कोई दिक्कत आई नहीं वैसी। तो ये तो हुआ कि आपको मैथ्स को प्रॉपर टाइम देना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब सही बात है कि पढ़ना क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जो स्टार्टिंग करेंगे, आपको बेस अपना मजबूत करना होगा, वो होगा आपका 9th 10th RS अग्रवाल से, ठीक है। उसके आप क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं से सॉल्यूशन देखिए, और एग्जांपल तो आप कम से कम करके ही जाइए। मेरे को लगता है कि अगर किसी बुक से क्वेश्चन ना फंसे, डिट्टो नहीं फंसे, लेकिन RS अग्रवाल से ज़रूर फंस ही जाता है 9th 10th वाले से, ठीक है। अगर आप 9th की नहीं कर पा रहे हैं तो 10th की ज़रूर लीजिए, और पैसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब खरीद लीजिए, ठीक है। CDS है जी, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो ऊपर से फिर पैसे भी नहीं खर्च करने, ये क्या बात हुई, बुक लेनी ज़रूरी है, ठीक है भाई। और CDS को आप हल्के में मत लीजिए, लोग जो है लाखों रुपये खर्च करके दिल्ली में, इलाहाबाद में, कहाँ कहाँ जाके कोचिंग पढ़ रहे हैं, तब वो CDS फाइट कर रहे हैं, आप घर पर बैठ के इतनी भी कंजूसी ना दिखाएं, ठीक है। तो बुक आप ज़रूर लीजिए, RS अग्रवाल 100% लीजिए, कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, पुरानी लीजिए, बस लीजिए। PDF मैंने देखी थी, नहीं मिली तो लेनी पड़ी, ठीक है। और मैं लेनी नहीं पड़ी, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो है 9th 10th RS अग्रवाल जो है मैंने पढ़ाई हुई है, मैं होम ट्यूशन देने जाता था, तो फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई है इस वजह से, ठीक है। तो आपको 9th 10th RS अग्रवाल, सबसे पहली बात क्या 9th 10th RS अग्रवाल सफिशियंट है, नहीं बिल्कुल नहीं है भाई, कैसे सफिशियंट हो जाएगी भाई, हैं, एक पतली इतनी मोटी सी किताब से, मतलब आप चाहते हैं पूरा पेपर आ जाए, नहीं आएगा। आपको एक कंपटीशन लेवल की बुक भी करनी है, क्योंकि उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं दी ना RS अग्रवाल में, वहाँ पे तो आपको लॉन्ग मेथड आ जाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है। लेकिन जब आप एक कोई पतली सी बुक लेंगे, ज़रूर लें, पतली बुक लें, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कोई इतनी मोटी बुक ना ले लें कि आपसे हो ही नहीं रहे हैं, एक एक टॉपिक के पता चल रहा है, उसमें 1000-1000 क्वेश्चन दिए हैं, 500-500 क्वेश्चन दिए हैं, आप लग ही नहीं रहे हैं, आप एक टॉपिक की पता चल रहा है, एक महीने में कर पा रहे हैं ना। कोई एक इतनी पतली बुक लीजिए कि आप उसे एक महीने में उड़ा सकें, ठीक है। एक्चुअली मैं सही बताऊँ, मैंने दृष्टि की जो है प्रेफर करी थी, ओके। और इसमें भी मैंने जब करे तो फिर अर्थमेटिक तो मैंने तमीज़ से करी ही नहीं, और जो एडवांस मैथ से उसके क्वेश्चन जो है मैंने अच्छे से लगाए हुए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एडवांस मैथ जो है 83 मार्क्स की आई है इस पर, और जो बोल रहे हैं ना
अर्थमेटिक, वो 7-8 मार्क्स की और 10 नंबर की डी आई वो आई थी एक डाटा इंटरप्राइजेस। तो अब देखिए है ना क्या बन रहा है, तो आप जो है एडवांस मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉर्मल सी बात है। थर्ड चीज़ आती है कि आपको टॉपिक जो है अच्छा चुनना है स्टार्टिंग में। भाई आप अगर सी आई एस आई से स्टार्ट करेंगे ना, आप रहन दो भाई, नहीं कर पाओगे, कोई सवाल ही नहीं है। अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक ना उठाएं स्टार्टिंग में, आपके पास 5 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आप इनमें से किसी से भी स्टार्ट कर लीजिए। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है। इन 5 टॉपिक में से आपका जिससे मन है उससे स्टार्ट कर लीजिए और अच्छे से कर लीजिए। 10th में जब आप देखेंगे मेंसुरेशन तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे सेम, है ना। तो 10th की RSQL तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और 10th की RSQL में से आप उतना ही करिए जितना ज़रूरी है, सफिशियंट। ऐसा नहीं है कि जो आपके टॉपिक आने वाले नहीं है और वो भी आप करा कर लगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, ये होगी टॉपिक से स्टार्ट, आपको किस अच्छे से टॉपिक से स्टार्ट करनी है। एक बुक रखिए अपने पास पतली सी, मोटी किताब नहीं लेनी है कि आप उसे कर ही नहीं पाएँ। और थर्ड चीज़ RSQL, एक चौथी चीज़ जो है जो आपकी स्पीड बढ़ाएगी वो है गगन प्रताप सर की वीडियोज। मतलब मैंने प्रेफर करी है, मैंने अभिनय सर से भी पढ़ा हुआ है और भी बाकी सब टीचर से पढ़ा हुआ है, लेकिन गगन प्रताप सर की जो लास्ट की वीडियो थी ना, जो 20-20 घंटे की वीडियो डली हुई है, वो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है सेप्टेम्बर के एग्ज़ाम में, अब देखिए, और एक बार नहीं दो बार देखिए, उनके नोट्स बनाइए। नोट्स किसके, क्वेश्चंस के नहीं, जो वो फॉर्मूले बता रहे हैं उनके, उन्हें रिवाइज करिए। और वीडियो को एक बार नहीं, हो सके तो डबल बार देखिए, दोगुनी स्पीड में देखिए, 4 गुनी स्पीड में देखिए, 2 गुनी होती है ना उसमें देख लीजिए। वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है, और उन्हें प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है स्किप करिए, अगला वाला करिए समझ में आया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी जो वीडियो समझने के लिए आपको RSQL बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लौट फिर के RSQL भी आ रहा हूँ, क्योंकि वो किताब बहुत ज़रूरी है, आपको करनी ही चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, है ना। अब एक और चीज़ है, मान लीजिए आप कोई टॉपिक कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक के लिए आप जो है वीडियो देखेंगे यूट्यूब से। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना नहीं आता है, तो आप उसी की वीडियो सर्च करिए, वही देखिए, है ना। फालतू की वीडियो, जब ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक नहीं देखना है, आप एक ही टीचर पर रिलाई बिल्कुल मत करिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर पर, एक टीचर पर पूरा भरोसा मत करिए। मैंने भी आपको गगन प्रताप सर तब बताए हैं जब ये सारी बुक जो मैंने बताई है वो कर लें उसके बाद में। भाई एक महीने में RSQL करिए कम से कम, है ना। एग्जाम्पल ये तो करने हैं, और 4-5 टॉपिक हैं वो करने हैं, एक महीने वो पतली सी बुक करनी है आपको, 2 महीने इसमें हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आप गगन प्रताप सर की वीडियो पे आइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप जो है बहुत आगे पहुंच जाएंगे भाई। सही बात है एकदम। अब दिक्कत आ रही होगी आपकी अर्थमेटिक की, जो पतली सी बुक बोली है ना उससे अर्थमेटिक करनी है, ये नहीं बोला है कि वो मत करिए, अर्थमेटिक उससे करिए। आपके जो सिंपल क्वेश्चन है ना अर्थमेटिक के, वो भी तो आते हैं ना वहाँ पे, तो फिर वो क्वेश्चन जो आपके वहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस जितनी कर सकें उतनी करिए, प्रैक्टिस ही है सारा खेल, प्रैक्टिस का है। और बाकी मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, और ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, जितना देना था दे चुका। अच्छे से बात आपको समझ में आई होगी, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन से आप कुछ भी लपत समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं करी है, अच्छे से जो करा है यही करा है। ठीक है, और हाँ प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास तो बहुत सारे रखे हुए हैं, देखिए 4 बार दे दिया ना, तो फिर 4 3 12 12 पेपर उठा के रख बैठे हैं। ठीक है, बाय।